नाथ योगी गोस्वामी समाज द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें लोकसभा चुनाव में नाथ योगी गोस्वामी जोगी समाज को भी प्रतिनिधित्व मिले हैं। भोपाल से सीमा नाथ योगी को लोकसभा प्रत्याशी बनाया जाए, ये मांग नाथ योगी गोस्वामी समाज ने राजनीतिक पार्टियों से की है। लगे हुए हैं बिल्कुल, दिया है, चर्चा करी है, अब इस तरीके से कोई बात नहीं है। उन्होंने बोला जो पार्टी डिसाइड करेगी। आज बीजेपी कार्यालय में पहुंचे थे आप, 5 वर्ष से आपने लगा थी क्या? जी हाँ, भी यही चर्चा हुई है। आपने लगने चुनाव लड़ा था महापौर का, कितने काम का है, क्या कितनी मेहनती है, क्या लोकसभा में अंदर लेने का? नहीं, अभी तो प्रयास टिकट का ही चल रहा है कि टिकट दे, और 36 लाख मध्य प्रदेश में है, नाथ समाज को एक भी टिकट नहीं है मध्य प्रदेश में कहीं भी, और भोपाल से भी यही हम मांग कर रहे हैं कि टिकट के लिए मांग कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम विरोध में नहीं जाएंगे हर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ में। मतलब ये है कि शुरू से नाथ योगी समाज जो है भगवा का समर्थन करती आई है आदिकाल से। मतलब देखा जाए तो दिल्ली की सत्ता पर भी मतलब ये है कि 295 साल तक मतलब ये है कि नाथ योगियों का राज रहा है। अभी मेरे पास ये कुछ इस तरीके से प्रमाण है, एक दिल्ली की खोज नामक पुस्तिका के अंदर मतलब इसमें वर्णन किया गया है, ईस्वी 2804 से लेकर 1123 ईस्वी तक 292 साल तक मतलब ये है कि नाथ योगियों का राज रहा है। तो मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी से